हिंदू पक्ष ने कहा कि हम तो रामलला का जो गर्भगृह है मंदिर का, जिसको वो बताते थे मस्जिद के नीचे, उसकी 2 फुट की दूरी पे भी हम मस्जिद मंदिर को नहीं बना सकते, गर्भगृह तो वहीं बनेगा, यही बोलते थे ना, मंदिर वहीं बनेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि गर्भगृह में ही गर्भगृह का रामलला का मूर्ति रखा जाएगा मंदिर बनने के बाद। अब नक्शे के हिसाब से राम मंदिर तो कुछ किलोमीटर दूर बन रहा है, और बाबरी मस्जिद में जहां पे वो गर्भगृह बताया करते थे वो तो काफी दूर हो गया, तो मंदिर कहां बन रहा है? वहां तो नहीं बन रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के हिंदू पक्ष ने जिन किन्हीं भी तरकीबों से केस जीता। मस्जिद की जगह तो वहां है, क्यों भैया मोदी जी, फिर भक्तों को बेवकूफ बना दिया है? हमें तो लगता है बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया, हम नहीं कह रहे, लाइव करके दिखा दिया। तो मंदिर वहां बनेगा, वहीं बनेगा, ये जो नारे लगाते थे बेवकूफ थे, मंदिर वहां नहीं बन रहा है, आपके सामने है, अपने फोन पे करके देख लीजिए, क्योंकि अयोध्या जाके देखने तो ये लोग देंगे नहीं, इन्हें तो राजनीतिक राम मंदिर बनाना है, सीधी बात, नो बकवास। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर एक नया विवाद आया है। वो विवाद बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कई पोस्ट देखी होंगी जहां पे ये कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो मूलतः जहां बाबरी मस्जिद थी वहां से काफी दूर है। अब इसमें होता क्या है कि कई सारी पोस्ट और फोटोज आ रही हैं जिसमें अलग अलग जगह दिखाई जा रही हैं, और कई लोग सवाल करते हैं क्या ये सही है गलत है, लेकिन किसी ने भी, बहुत सारे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कभी करेगा नहीं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ पत्रकारों ने और कुछ लोगों ने अपने तरीके से उसे दिखाने दर्शाने की कोशिश की है कि जिसमें आप लोगों को सिर्फ फोटो खींच के या बात कह के ये दिखाया गया है कि देखिए बाबरी मस्जिद फला जगह थी अयोध्या के अंदर और राम जन्मभूमि का मंदिर दूसरी जगह बन रहा है, देखें है ना। मैंने सोचा क्यों ना उस बात को आज क्लियर कर दिया जाए कि हकीकत में क्या बाबरी मस्जिद वाली जगह पे ही राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में या नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं चाहता तो मैं भी एक पोस्ट लिख सकता था, या मैं एक 2-3 फोटोज लगा करके, तो इस वीडियो में आगे लगाऊंगा, मैं फोटोज लगा के सिर्फ मैं आप लोगों से कहता कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं आज आप लोगों को लाइव फोन पे कुछ दिखाऊंगा। और ये चीज आप अपने आप अपने फोन पे भी कर सकते हैं, अपने फोन पे भी कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं उस समय साथ साथ करना चाहते हैं तो दूसरा फोन आप में ले लीजिए, क्योंकि उसमें बड़ी सहूलियत होगी, या फिर वीडियो के बाद भी आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपको करना सिर्फ ये है इस मुद्दे को समझने के लिए, और आपको मालूम चल जाएगा कि जहां पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी फैजाबाद का अयोध्या में, रामलला का मंदिर वहां नहीं बन रहा है, नो नहीं बन रहा है, वो वहां से काफी दूर बन रहा है। और मैं इसके 2 तरीके से आपको साबित करके दिखाऊंगा, 2 तरीके से लाइव साबित करके दिखाऊंगा। आप लोगों के पास स्मार्टफोन तो है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जो भी है आपके पास, आप एक काम कीजिए मेरे साथ साथ, मैं यहां पे दूसरे फोन पे कर रहा हूं, आप जाइए गूगल मैप्स पे, खाली मैप्स पे देखिएगा, थोड़ा सा क्या है कि मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको, तो ये देखिए ये मैप्स है, मैप्स पे आप जाइए, ठीक है। और इस मैप्स में जाने के बाद, यहां जाने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, वहां पे लिखना है बाबरी मस्जिद परिसर कौमा अयोध्या। क्या लिखेंगे आप देखिए, क्या लिखेंगे, पहली लाइन पढ़िए जहां मेरी फिंगर है, बाबरी मस्जिद परिसर कौमा अयोध्या, सिर्फ इतना लिख के उसको आप क्लिक कर दीजिए। ओके, आपने क्लिक किया, ये फोटो आपके सामने आ गई जो मैप की है, इसको क्लिक कर दीजिए, खुल गया, ठीक है। अब मैं इसको आसानी के लिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें बाबरी मस्जिद ऑलरेडी दिखना शुरू हो गई होगी, क्या आपको दिख रही है बाबरी मस्जिद, ये देखिए, ये कहां गया, हाँ नीचे से सेकंड, ये क्या लिखा है, अरे भाई मेरे पे फोकस नहीं, हाँ इस पे, नीचे से सेकंड बाबरी मस्जिद दिख रही है आपको, ठीक है। तो हम फैजाबाद यानी अयोध्या के बाबरी मस्जिद मैप में पहुंचे, ये लाइव चल रहा है इस समय, चाहे तो आप इस समय फोन के ऊपर खुद भी कर सकते हैं, आपको ये बाबरी मस्जिद मिल जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, ठीक है, टेढ़ा करने से क्या होगा कि आप लोगों को दिखाना समझाना
थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसमें आपको बाबरी मस्जिद दिख रही है, कहां दिख रही है आपको बाबरी मस्जिद? यहां पे ये दिख रही है, ये बाबरी मस्जिद, ये सरयू नदी, ये घाघरा नदी, है ना, ये बाबरी मस्जिद आपको लाइव मैप में दिख रही है। अपने मैप में भी आप खोज सकते हैं। मेरा कीवर्ड सर्च बहुत सिंपल था, बाबरी मस्जिद परिसर अयोध्या। यहां तक ठीक है, ओके। इसी में आप एक चीज नोटिस करिएगा और वो नोटिस करने वाली बात यह है कि बाबरी मस्जिद जो नंबर 2 नीचे से आपको यहां पे दिख रही है, ये बाबरी मस्जिद, यहां पे आपको दिख रहा है एक आश्रम। उस आश्रम का नाम है कि राम मंदिर के बगल का आश्रम, ये नए राम मंदिर के बगल का आश्रम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ये क्या लिखा है, बाबरी मस्जिद परमानेंटली क्लोज्ड, यानी कि बाबरी मस्जिद क्योंकि अब है ही नहीं वहां पे, शहीद हो चुकी है, ढाई जा चुकी है, इसलिए बाबरी मस्जिद परमानेंटली क्लोज्ड, हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। और यहां पे जो आपने देखा था नदी के बगल में आपको जो ये दिख रहा है एरिया, ये एक आश्रम का गूगल मैप इशारा करता है कि ये एक आश्रम है जो कि राम मंदिर के बगल में है, जो राम मंदिर बन रहा है। अब हम इसको एक्सपैंड करते जाएंगे। इसी में मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं जो ट्रिक हो। देख पा रहे हैं, ये आ गया, क्या आ गया पढ़ के बताइएगा, जोर से पढ़िएगा, ये वो जगह है जहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। यस, ये जगह आपको साफ शब्दों में दिखने लगी। ये देखिए क्या नाम लिखा है, ये आपने पढ़ा था आश्रम बगल में, और ये क्या आ गया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, पढ़िए, आप पढ़ पा रहे हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। अब मैं इसको वापस छोटा करता हूं। अब मैं जब इसको छोटा करता हूं तो सिर्फ आपको यह देखना है कि ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर यहां छोटा होके आ गया था और बाबरी मस्जिद आपको कहां मिली, कहां मिली बाबरी मस्जिद, यहां मिली। ये बाबरी मस्जिद है, ये हनुमानगढ़ी है, और ये वो आश्रम वाली जगह, देखिए आपके सामने ही खोल के दिखा रहा हूं, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि अलग कर दिया, है ना, ये देखिए। और यहीं पे अभी आपको राम मंदिर भी मिल जाएगा, ये रहा श्री राम मंदिर, ये श्री राम मंदिर, और ये रही बाबरी मस्जिद आपके सामने, ये बाबरी मस्जिद। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब मैं इसका फोटोकॉपी फोटो मैं लगा देता हूं आपको, कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस मैप में आप देखते हैं, ये गूगल मैप है, जब आप इसमें देखते हैं तो बाबरी मस्जिद के उत्तर में हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी के पश्चिम में श्री राम मंदिर बन रहा है। यानी कि मूलतः अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कई सारे रोड्स हैं, एक अयोध्या धाम रोड है, अयोध्या धाम रोड के एक तरफ बाबरी मस्जिद है और अयोध्या धाम रोड के दूसरी तरफ आपको कल्याण सिंह मार्ग वगैरह मार्ग मिल रहे हैं और तब जाकर के आपको राम मंदिर की एक्चुअल साइट मिल रही जहां पे राम मंदिर बन रहा है। ये सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है, ये मैंने कुछ फोटोज लिए थे, फोटोज स्क्रीनशॉट्स, राम मंदिर और बगल में है बाबरी मस्जिद, ये दो स्क्रीनशॉट जो आप देख पा रहे हैं। आप लोग समझते ही होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल, अक्षांश और देशांश, पूरी दुनिया अक्षांश और देशांश के हिसाब से, जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी डिग्रीज के हिसाब से पूरी दुनिया की मैपिंग हुई है। अगर आप ध्यान से यहां पढ़ेंगे तो राम मंदिर जहां बन रहा है उसकी अक्षांश और देशांश देख लीजिए, आप अपने फोन पे भी जाके कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये लिखना है राम जन्मभूमि मंदिर लैट स्पेस लॉन्ग, यानी आपको अक्षांश देशांश मिल जाएगी। उसी तरीके से आप दूसरे गूगल सर्च पे आप लिख सकते हैं बाबरी मस्जिद लैट स्पेस लॉन्ग, यानी अक्षांश देशांश मिल जाएगी। अब आप यहां देखिए दोनों में फर्क है, क्योंकि जो आपको गूगल मैप में मिल रहा है वो ड्राइविंग डायरेक्शन है, जो मिल रहा है वो अलग है, वो एक जगह नहीं है, वो
काफी दूर है एक दूसरे से, इसीलिए अक्षांश और देशांश में भी फर्क आ रहा है। ना सिर्फ इतना, एक डिग्री लैटिट्यूड का फर्क 111 किलोमीटर होता है। मैं मानता हूं कि ये 111 किलोमीटर का एक डिग्री का फर्क नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद जितना भी है गणित लगाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना दूर है एक दूसरे से, बगल बगल में नहीं है। बाबरी मस्जिद तो बहुत छोटी सी एक जगह थी। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि हम तो रामलला का जो गर्भगृह है मंदिर का, जिसको वो बताते थे मस्जिद के नीचे, उसकी 2 फुट की दूरी पे भी हम मस्जिद मंदिर को नहीं बना सकते, गर्भगृह तो वहीं बनेगा, यही बोलते थे ना, मंदिर वहीं बनेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि गर्भगृह में ही गर्भगृह का रामलला का मूर्ति रखा जाएगा मंदिर बनने के बाद। अब नक्शे के हिसाब से राम मंदिर तो कुछ किलोमीटर दूर बन रहा है, और बाबरी मस्जिद में जहां पे वो गर्भगृह बताया करते थे वो तो काफी दूर हो गया। तो मंदिर कहां बन रहा है? वहां तो नहीं बन रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के हिंदू पक्ष ने जिन किन्हीं भी तरकीबों से केस जीता। मस्जिद की जगह तो वहां है, ओरिजिनल दिखाई आपको, लाइव दिखाई। अभी आप कहेंगे कि लाइव दिखाई, मैं आपको उसका सैटेलाइट वर्जन भी दिखा देता हूं, और फिर बाद में मैं उसका फोटो भी डाल दूंगा। यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ऐसा कर लेते हैं इसको, है ना, यही चीज दिखाई थी, बाबर का मंदिर और यहां पे ये बाबरी मस्जिद, और ये इसके बगल में ही आपको मिला था। अब मैं इसको सैटेलाइट पे ले जाता हूं, आप सैटेलाइट समझते हैं, इसके कई तरीके होते हैं देखने के। अब इसी चीज को अगर आप अपने गूगल मैप में भी जाके सैटेलाइट वर्जन पे ले आएंगे तो लेट अस ब्रिंग द सैटेलाइट वर्जन ऑन। अब मैं आपको दिखाता हूं, यही वो सैटेलाइट वर्जन है, ये शहर की असलियत दिखा रहा है। ये रही बाबरी मस्जिद का एरिया, है ना, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा भैया फोकस। हाँ, ये देखिए, ये वो बाबरी मस्जिद है, ये उसका एरिया है, बाबरी मस्जिद का एरिया दिख रहा है आपको, है। और यहीं से जब हम इसको छोटा करके इधर चलते हैं, ये रोड दिख रही है आपको, ये बड़ी वाली रोड, ये अयोध्या धाम रोड है। फिर ऐसे ही ये रोड्स आ रही हैं, है ना, ये रोड्स हैं जिसमें कल्याण सिंह मार्ग है, पता नहीं क्या क्या है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह जहां मेरी फिंगर है, इसको हम बड़ा करते हैं, ये मंदिर बन रहा है, ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। देखा आपने, यहां पे जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, इसी के बगल में वो आश्रम था जो रेड मार्क दिखाता है बार बार। तो राम जन्मभूमि मंदिर यहां बन रहा है, ये मैं आपको एक्चुअल फोटो दिखा रहा हूं, ये सैटेलाइट की फोटो है, मेरे घर की फोटो नहीं है। और जब इसको छोटा करते हैं तो बाबरी मस्जिद यहां है, ये रहा, ये वहां पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लाल वाली जगह पे, जो लाल जगह दिखा रही है, यहां पे इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। और इस जगह को छोड़ करके ये कहां चले गए हैं? ये चले गए यहां, यहां ये मंदिर बना रहे। तो भैया मोदी जी फिर भक्तों को बेवकूफ बना दिया है, हमें तो लगता है बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया, हम नहीं कह रहे, लाइव करके दिखा दिया। तो मंदिर वहां बनेगा, वहीं बनेगा, ये जो नारे लगाते थे बेवकूफ थे, मंदिर वहां नहीं बन रहा है, आपके सामने है, अपने फोन पे करके देख लीजिए। क्योंकि अयोध्या जाके देखने तो ये लोग देंगे नहीं, इन्हें तो राजनीतिक राम मंदिर बनाना है, सीधी बात, नो बकवास। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।